आप में से जो लोग पहले सहयोग के 3 लेक्चर्स में आए हैं उनके लिए ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए, क्योंकि गुरु का स्थान हमारे अंदर काफ़ी ऊंची जगह है। गुरु का स्थान हमारे अंदर स्थित है, कोई उसमें नई चीज़ करने की नहीं है। परमात्मा ने हमारा जो ये साधन बनाया हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बहुत सुंदरता से बनाया है। इसके एक एक चक्र जो कि हमारे लिए अदृश्य ही हैं लेकिन अंदर स्थित हैं, और जिससे ये दृश्य जगत हमें जान पड़ता है, बहुत सुंदरता से रचे हुए हैं। किंतु मनुष्य अति पे रहता है, हमेशा अति पे जाने की वजह से उसने अपने इस साधन को बिगाड़ लिया है। उसी प्रकार गुरु का जो स्थान है उसे भी मनुष्य ने बुरी तरह से बिगाड़ लिया। अभी गुरु का स्थान हमारे अंदर इस पूरी जगह या प्रांत में है, इस पूरे देश में गुरु का स्थान है। पेट के अंदर चारों तरफ नाभि चक्र से जुड़ा हुआ, नाभि चक्र पे मैंने एक दिन पहले बात की थी, जिसमें मैंने विष्णु की शक्ति का वर्णन किया था, और विष्णु की शक्ति के ही कारण आज आप अमीबा से इंसान बने हैं, और उसी शक्ति के कारण आप इंसान से अति मानव बनने वाले हैं। अब ये जो गुरु की शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने पहले ही से स्थित की हुई है, इसके लिए अनेक गुरुओं के अपने अंदर अवतरण हुए हैं। अब पहले हम लोग देखें कि गुरु तत्व बना कैसे, इसको समझना चाहिए कि गुरु तत्व अनादि है और वो कैसा बनाया गया। हमारे अंदर 3 शक्तियाँ अदृश्य रूप से कार्यान्वित रहती हैं। प्रथम शक्ति जो है उसको हम कहते हैं महाकाली की शक्ति, आप कहिए कि आपके अस्तित्व की शक्ति, जिससे आप में अस्तित्व है, इस सृष्टि में अस्तित्व है, इस संसार में अस्तित्व है, वो शक्ति महाकाली की है, जो हमारे अंदर ईड़ा नाड़ी से चलती रहती है। इस ईड़ा नाड़ी का स्थान हमारे बाईं ओर, जिसे कहना चाहिए कि लेफ्ट साइड में रहता है, और लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड की सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को चालित रखती है। इसलिए लेफ्ट साइड की जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमें इच्छा देती है। इच्छा करने से ही मनुष्य कार्यान्वित होता है, और इसलिए दूसरी जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है वो हमें क्रिया शक्ति देती है, इसको हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। तो हमारे पास एक तो महाकाली की शक्ति है और दूसरी हमारे पास महासरस्वती की शक्ति है। क्योंकि हम इनके नाम अंग्रेजी में नहीं कह सकते, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं ये बड़ा अनसाइंटिफिक मामला है, लेकिन इससे बड़ा साइंस और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ आपने देखी नहीं, जो आपके लिए अलग है, जो परोक्ष में है, जिसे आपने जाना नहीं, जो ऊपर में है उसे आपने देखा, लेकिन अगर पीछे की इसकी शक्ति ही को आपने नहीं जाना है तो उसके बारे में बात करने से भी आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लग जाती है, तब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नाड़ियों के असंतुलन आदि अनेक दोषों के कारण कुंडलिनी किस तरह से रुक जाती है, फिर किस तरह से उसे संतुलन देना पड़ता है। ये दोनों शक्तियाँ एक और तीसरी शक्तियों से लावित हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और जो ही हमारी कमाई है। आज हमारी मानव चेतना जिस स्तर पर पहुँची है, ये हमारी तीसरी शक्ति की द्योतक है, ये महालक्ष्मी की शक्ति है। इस शक्ति से हम आज अमीबा से इंसान बने। अगर मनुष्य अमीबा रह जाता तो क्या हर्ष था? कौन सी ऐसी आफत आई हुई थी कि इतनी योनियों में से गुजार के आज मनुष्य का सुंदर स्वरूप परमात्मा ने निर्माण किया? क्या कभी आप सोचते हैं कि क्यों परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया? क्या विशेषता हमारे अंदर है जिसकी कि हमें अभी तक गंध भी नहीं और हम जानते भी नहीं हैं, उसकी हमें खबर भी नहीं है कि हम किस लिए संसार में आए हैं? ये साधन जो विशेष तरह का एक मानव बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया? इस मानव को पहले समझ लेना चाहिए कि ये महालक्ष्मी शक्ति से हमारे अंदर आज इस स्थिति में पहुँचा है जहाँ मानव चेतना पहुँची हुई। विस्तार पूर्वक मैंने एक दिन पहले दादर में सब कुछ बताया था, इसलिए इन तीनों शक्तियों के बारे में मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर हैं और इन तीनों शक्तियों का समन्वय जहां होता है, ये तीनों शक्तियां जब एकत्रित हो जाती हैं
और इन तीनों शक्तियों का जब बिल्कुल बाल्य स्वरूप पैदा हो जाता है कि जो किसी भी चीज़ से खराब नहीं हो सकता, जिसके अंदर किसी भी तरह की त्रुटियाँ नहीं आ सकती, जिसके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं आ सकता, जो बिल्कुल हमेशा नवीन रहता है, ये तत्व गुरु तत्व है। बालक के अंदर अहंकार नहीं होता, बालक के अंदर किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है, वो पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है। आप देखिए छोटे बच्चे खेलते हैं, खूब नाटक बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद उसको लात मार के चले जाते हैं, या ज़्यादा देर थोड़ी देर खेले कूदे उसके बाद कुछ नाटक किया उसके बाद सब खत्म हो, उनके लिए सभी कुछ नाटक रहता है। और वो त्रस्त की जैसे बातें करते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे से कहो कि अच्छा बेटे अब तुम घर जाओ, तो कहेगा कि माँ देखो ये मुन्ना है ना, ये जाएगा नहीं, ये मुन्ना जाएगा नहीं, माने वो कोई और है और ये मुन्ना कोई और है, हमेशा त्रस्त जैसी बात करते हैं। लेकिन जब मनुष्य बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर दो ग्रंथियाँ या दो विशेष तरह की संस्थाएँ तैयार होती हैं, जिसको कि हम अंग्रेजी में ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। ये हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है, इसके उपयोग से होती है। अगर मनुष्य बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति से भरा हुआ हो और पूरी समय इच्छाएं करता रहे, तो उसके अंदर सुपर ईगो नाम की शक्ति तैयार हो जाती है, एक कहना चाहिए एक संस्था हो जाती है, और वो संस्था हमारे सर के अंदर इधर से घूम करके इस तरफ में सब छा जाती, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया। दूसरी संस्था हमारे अंदर क्रिया शक्ति से पैदा होती है, जिसे हम लोग अहंकार कहते हैं और अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। यह हर इंसान में, जो इंसान कोई सा भी कार्य करता है, उसके अंदर पैदा हो जाती है। यह संस्था का मतलब यह है कि मनुष्य सोचता है मैंने ये काम किया, मैंने मकान बनाया, मैंने ये घर बनाया, उस चीज़ के प्रति एक तरह का कर्तापन जब आदमी में उभर आता है, उस कर्तापन से ही ये संस्था ईगो की तैयार हो जाती है। ये दोनों संस्थाएँ जा करके जब सर के या मध्य भाग में या फॉन्टेनेल बोन की एरिया में यहाँ जा करके एक के ऊपर एक ऐसे जम जाते हैं, तब यहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाता है और हमारी तालु बचपन में कोई 3-4 साल के उम्र में पूरी तरह से भर जाती है। पर इसका पूरापन असल में जब हम भाषा खूब अच्छे से बोलने लग जाते हैं और भाषा पे प्रभुत्व पा लेते हैं, तब अच्छे से जम जाता है। उसके भी अनेक कारण हैं, पर आज हम गुरु तत्व की बात कर रहे हैं। अब गुरु तत्व जो है, ये इन तीनों शक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का समन्वय है, और ये एकदम नूतन स्वरूप हमारे अंदर परमात्मा ने समाये हुए। आप तो जानते ही हैं कि दत्तात्रेय जी का जन्म किस तरह से हुआ था, उसके बारे में फिर से मुझे बताने का नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब पावित्र के सामने जाकर खड़ी हो गई, तो उस पावित्र ने उनको वो नूतनता, वो उनका भोलापन दे दिया। वो भोलापन से भरी हुई ये तीनों शक्तियाँ जो हैं, वो एक दत्तात्रेय जी के अंदर समाई हुई हैं, और वो हमारे पेट में कहना चाहिए, जिसे हम भवसागर कहते हैं, उसमें समाई हुई है। विराट के अंदर जो भवसागर है, उसके अंदर ये शक्ति समाई हुई है, और ये अनेक बार जन्म लेती है। जैसे आदिकाल से आदिनाथ, ये भी इसी शक्ति के अवतार थे। एक ही शक्ति है, वो अनेक बार जन्म लेती है। आदिनाथ जी जो कि अभी भी जैन लोग वगैरह उसका प्रार्थना करते हैं और उनको मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये शक्ति का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज़ इस शक्ति में ये है कि ये शक्ति में कोई धर्मांधता नहीं, सन्यासी की कोई जात नहीं होती, कोई उसके कोई वर्ण नहीं होता है। वो सन्यासी का मतलब ऐसा है कि वो सब जाति धर्म सबको मानता है, और अगर कोई भी गुरु अपने को किसी एक विशेष धर्म का अभिनेता समझे, तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु नहीं। गुरुत्व की पहली शक्ति यह है कि उसके अंदर सर्वधर्म का जो कुछ भी निचोड़ है, इसेंस है, उसकी जो नूतनता है, उसका जो भोलापन है, वो उसके अंदर भरा होना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने को किसी धर्म गुरु के नाम से सामने आता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये एक झूठा आदमी है, और इसके पीछे का जो धर्म है वो भी महाझूठा है। इसका आपको उदाहरण हम बता सकते हैं सहयोग में, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक महाशय हैं, हमसे मिलने आए थे जब हम लंदन में थे, तो कहने लगे कि माँ मेरे पेट का कैंसर है, मुझे ठीक कर दिया। वो स्वयं मुसलमान है, ईरान के रहने वाले डॉक्टर। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा किस पर विश्वास है, तो कहले मोहम्मद साहब पे। मैंने कहा कि क्या सिर्फ मोहम्मद साहब पे, कहले हाँ, और किसी पे नहीं, कहले किसी और पे नहीं मेरा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पेट का कैंसर नहीं ठीक कर सकता, मुझे माफ़ कर, क्योंकि पेट का कैंसर इस तरह के धर्मांधता से होता है कि एक मोहम्मद साहब मात्र हैं। मोहम्मद साहब हैं, ये भी दत्तात्रेय के ही अवतरण है पूर्णतया, और कुछ नहीं,
मतलब ये कि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय है, इसमें कोई शंका की बात नहीं, लेकिन वही एक अवतरण नहीं है, इसलिए मोहम्मद साहब ही उनके पेट में जाकर गुस्से हो। समझ लीजिए आप इस देश के प्रेसिडेंट हैं, और आप अगर महाराष्ट्र में आए तो लोग आपका आदर करें क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, पर अगर आप बंगाल में जाएं और आपका आदर नहीं हो तो क्या प्रेसिडेंट साहब आपसे नाराज नहीं हो जाए? उसी प्रकार ये एक ही शक्ति अनेक बार जन्म में आती है, और जब ये अनेक बार जन्म में आती है, हालांकि उसके नाम अलग होते हैं, उसकी जगह अलग होती है, जिस तरह की जरूरत होती है उसी प्रकार ये शक्ति संसार में जन्म लेती है। लेकिन इसका कभी भी अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि वो एक शक्ति आई उसके बाद कोई शक्ति नहीं आई, जिस प्रकार कि हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि एक गुरु को मान लिया फिर और गुरु हो ही नहीं सकते। अब इन महाशय जी जिनको कि बुरी तरह से तकलीफ थी पेट की, ये दो तीन दिन बाद फिर आए, कहले माँ इसको तो ठीक करना ही होगा। मैंने कहा अगर ठीक करना है तो तुम्हें दत्तात्रेय जी को मानना पड़ेगा, नानक जी को मानना पड़ेगा। वो कहा अच्छा जो भी कहोगी वो मानूंगा। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम प्रार्थना करो नानक जी से कि मुझे क्षमा करें, मोहम्मद साहब से भी प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करें, और उसके बाद उनका कैंसर भी ठीक हो। आपको आश्चर्य हो गया कि आजकल इतनी संस्थाएं पॉलिटिकल भी राजनैतिक आदि बन जाती हैं, जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि इनके धर्मगुरु खराब हैं, उनके धर्मगुरु खराब। वास्तविकता यह है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो डिसाइपल्स हैं, जो अपने एक धर्म के कहते हैं मुसलमान, उतने ही बुरे हैं जितने हिंदू, हिंदू उतने ही बुरे हैं जितने ईसाई, और ईसाई उतने ही बुरे हैं जितने और धर्म के लोग। इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं इन्होंने अपने गुरु को पहचाना नहीं और उनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चलता। इसका एक उदाहरण मैं आपसे दे सकती हूँ कि समझ लीजिए कि ईसाई लोग, ईसा मसीह ने अगर कोई बात खास कर कही होगी तो ये कि तुम लोग किसी भी मृत चीज़ के पीछे में मत जाओ, और भूत पिशाच आदि चीज़ों के पीछे में तो बिल्कुल नहीं जाना। किसी भी तरह से आपको चाहिए कि आप भूत पिशाच आदि जो कुछ डेड है उसे दूर रहें। इतनी खोल के बात मेरे ख्याल से जितनी ईसा मसीह ने बताई है सिर्फ नानक साहब ने बताई। इतनी खोल के बात बताने पर भी आप किसी भी ईसाई धर्म को जानने वाले या धर्म को पालन करने वाले या किसी भी राष्ट्र में जाके देखो तो आपको आश्चर्य होगा। लंदन में जहाँ मैं रहती हूँ, हर एक चर्च के अंदर में नीचे मुर्दे गड़े पड़े, आप वहाँ पाँव रखे तो आपके पैर चपके खाते। हर एक चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर उन्होंने मुर्दे गाड़ के रखे। जिस चीज़ को बिल्कुल मना किया गया था उसी को बराबर ये लोग करते। अब आप हिंदुओं की अकल देखिए, हिंदुओं की अकल उससे भी बढ़ के। हिंदुओं के लिए बताया गया था कि सर्वधर्म एक ही है, इतना नहीं तो इतना भी बताया गया था कि तुम्हारे अंदर सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, एक ही परमेश्वर का प्रतिबिंब जो आत्मा है सबके अंदर एक आत्मा का वास है। अभी जाति पाति लेकर के झगड़ा करने वाले हिंदुओं से बढ़ के तो कोई, जब सबके ही अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जब ये भी बताया गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तब आज आप हिंदू हैं तो कल मुसलमान होंगे, कल मुसलमान है तो परसों ईसाई होंगे, नहीं तो आप कल चमार भी हो सकते हैं, और नहीं तो आप और भी निम्न श्रेणी के हो सकते हैं। बड़े अपने को बड़े बड़े कहने वाले लोग जो कि अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बड़े भारी हिंदू हैं, उनका व्यवहार ऐसा है कि चमारों से भी बदतर, उनसे शूद्रों से भी शूद्र, अति शूद्रों जैसे वो लोग आप देखते हैं जो मंदिरों में बैठ करके वहाँ दक्षिणा वगैरह लेते हैं। उनके बारे में आप अगर देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इनका और परमेश्वर का कहीं संबंध भी है कि ये परमेश्वर के दुश्मन यहाँ बैठे। मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन में, और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने वहाँ पंडे बैठे हुए सारे राक्षस हैं, राक्षस, और राक्षस ही नहीं है सारे कंस के अनुचर हैं। वो कृष्ण के सामने बैठ करके कृष्ण की बदनामी कर रहे हैं, इतना नहीं जो जितने भी आते हैं उनके अंदर भूत भर रहे हैं और सबका सर्वनाश कर रहे हैं। उन मंदिरों में से और उन सुंदर जगहों में से कृष्ण स्वयं उठ गए हैं, वो वहाँ रहना ही नहीं चाहते, ऐसी गंदी जगह, और आप आंखों से देखते हैं कि आपको रात दिन लूट रहे, आपके साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं, आपको इतना झूठ बता रहे हैं, गांजा और क्या क्या ये चीज़ें होती हैं वहाँ बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं, जेवर चुराते हैं, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं, तो भी हम उनको महागुरु समझ करके सब उनके चरणों में चले जाते। आपने ये सब काम किए लेकिन आपके बच्चे काम नहीं करने वाले, इसका दुष्परिणाम एक ही होने वाला है। वो दुष्परिणाम ये है कि आपके बच्चे कहेंगे कि ये परमात्मा परमात्मा कोई चीज़ नहीं, ये सब झूठ बात है, ये एक ढकोसला। इसका परिणाम अनेक देशों में हुआ है, जैसे हमारे एक शिष्य हैं और वो अल्जीरिया के रहने वाले मुसलमान हैं, वो जब लंदन आए, लंदन में वो
हमारे पास आए तो उनका कि माँ मेरा तो विश्वास ही नहीं भगवान। हमारे यहाँ जितने यंग लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वकील हैं, उनका कोई विश्वास परमात्मा पे नहीं। वो कहते हैं ये सब फैनेटिसिज्म है, सब झूठ है, ये पैसा कमाने के धंधे, और ये सारी संस्था ही बिल्कुल गलत है। उसके बाद जैसा कि सहयोग का एक बड़ा भारी वरदान रहता है, वो एकदम से पार हो गया। पार होने के बाद वो सहयोग में जम गए। उन्होंने 500 लड़कों को पार करा और उनका परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल दृढ़ करा। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम से, एक अति से दूसरे अति पे जाते हैं, तभी बीचों बीच ये गुरु तत्व आपको पकड़ लेता है। गुरु का मतलब वो होता है जो आपको घसीट ले, खींच ले, आकर्षण कर। लेकिन आजकल के गुरु जो आपको आकर्षित करते हैं, वो अनेक नानाविध ऐसी ऐसी चीज़ों से करते हैं कि आप लोगों पे आश्चर्य होता कि आप ऐसे गुरु लोगों को क्यों मानते हैं। ये तो कम से कम जानना चाहिए कि गुरु के अंदर कुछ न कुछ बेसिकली, जिसे कहना चाहिए मूलतः, उसमें कोई विशेषता होनी चाहिए। गुरु का मतलब है आपसे ऊंचे उठे हुए आदमी, आपसे एक ऊंची दशा में पहुंचे हुए आदमी। आपसे जो निम्न स्तर पे है वो आपके गुरु कैसे हो सकते? जो आदमी पैसा खाता है आपसे, आपके पैसे पे जीता है, जो एक पैरासाइट है, आप कभी किसी के यहाँ जा करके मुफ्त रहेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे? जो आदमी जिंदगी भर यही करता आया, वो आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो आपका आश्रित हो सकता है, नौकर हो सकता है? वो आपका गुरु कैसे हो सकता है जिसने जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं किया और सिवाय आपसे पैसा लेकर के उस पर जीता रहा? इस तरह के पैरासाइट आप सुबह से शाम तक पालते रहते और उनके गुरु मान्यता मान करके और उनके लिए दुनिया भर की चीज़ें आप वहाँ भेजा करते हैं और उनको पूरी तरह से पूरी करते हैं। यहाँ तक इस चीज़ का पहुँच गया है मामला कि कुछ कुछ गुरु तो ये है कि अपने को सोने में, तो कभी हीरे में, तो कभी किसी चीज़ में तौल लेते हैं और वो सारा तौल अपने पास लेकर के कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे वो तुमको परमात्मा के पास मिलेगा। इस तरह की झूठी बातें अपनी समाज में इतनी सुशिक्षित होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। मुझे आश्चर्य आप पे नहीं होता, मुझे ज़्यादा आश्चर्य होता है उन परदेशी लोगों पर जो कि अपने को बड़े विद्वान और बड़े डेवलप समझते हैं। इतना गधापंथी करते मैंने इन्हें देखा हुआ कि मैं अगर आपको उन लोगों की बातें बताऊं तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतने हद तक तो आप लोग जाते ही नहीं गुरुओं के मामले में। गुरु अगर उनसे कहें तो उनकी विष्ठा भी ये खाने के लिए तैयार रहते हैं, इतनी इन लोगों पे हालत खराब है। तब विचार बनता है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह से क्यों करते, गुरु तत्व में क्या खराबी आ गई, किस तरह से ये इसको मान लेते हैं। और इसका सीधा सरल, बिल्कुल बहुत ही सरल उत्तर ये है कि ये लोग गुरु तो नहीं है लेकिन ये हिप्नोटाइज करते, इनमें हिप्नोसिस की पावर होती है जिससे आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से आदमी की बुद्धि सारी नष्ट होकर के वो पूरी तरह से इसमें बहता चला जाता है। ऐसे अनेक गुरु इस कलयुग में पैदा हुए, उसमें से कुछ कुछ तो परले दर्जे के राक्षस हैं जिनको कि अनेक बार देवी ने मारा हुआ फिर से वापस आ गए। और ये राक्षस लोग सारी राक्षसी वृत्तियाँ, सारी अनैतिकता, हर तरह की चीज़ आपको सिखाते हैं और आप मुँह बाहर देखते रहते कि क्या मेरे लिए प्रचंड पंडित प्रकांड बिल्कुल वेदांत सुना रहे। गुरु के जो गुण हैं उसमें से पहला गुण यह है कि वो आपके पैसे और आपके धन को ठोकरों पे रखता है, उसके आपके कोई चीज की उसको परवाह नहीं, आप उसको बांध नहीं सकते, वो अपना लहर से चलता है। उसका मन हो तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं। आपके आगे पीछे दौड़ने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आपकी माँ हूं, मैं आपको समझाती हूँ और मैं आपसे समझाती हूँ कि बेटे अपने अंदर के गुरु को जानो, अपने रुख पहचानो। लेकिन जो जो मुझे मिले हैं बड़े पहुंचे, वो तो कहते हैं कि इन गधों को 50 गालियां सुनाते, माँ तुम क्यों रियलाइजेशन दे, इनको मरने दो थोड़े देर, इनको ये होने दो। उनके तो लुत्ती ही इतनी अलग है, हाथ में वो लोग एक एक बड़ा बड़ा डंडा, नहीं तो चिमटा लेके बैठते और या तो पत्थर लेके बैठते। कोई आदमी उनके पास आए तो उसको पत्थरों से मांगते भगो यहां से, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। माँ की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है, और माँ को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी की बात है। ये हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से और इतना साद्र हृदय रहता है, ये निर्वाज बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है, और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है पर करना ही पड़ता है। ये गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा।
आप घर आएंगे कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसा पता नहीं क्या था वहाँ, हालत जी मचलने लग गया। कभी कभी तो यह होता है किसी आदमी को देखो और चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, तीन बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे। और जाते साथ मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं सास के साथ चलो अब घर मेरे बसता नहीं। कहा भैया ऐसा कैसे, अब तुम्हें तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो मेरा हाल ख़राब हो, घर चलिए आप मेरे बसता नहीं, यहाँ तो कुछ बड़ी आतंक की बात चल रही। जब मैं घर पर चली आई उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की हमारी लड़की के साथ पढ़ती थी वो आई, तो मैंने उनसे पूछा, उसका भी नाम वही था जो महाशय का था, तो मैंने कहा क्या तुम इन्हें जानती हो। कहले वो तो मेरे पिता है। मैंने कहा तुम्हारे पिता है कि तुम्हारी ऐसी दशा को। कहले उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में और ये तीन बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए। और उसकी आँख से एकदम आँसू छल छला पड़े। कहले मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई इतना चीखा पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास रख लिया। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था और मैं वहाँ उनके सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था और आँखों से आंसू बार बार टपक पड़ रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न पसंद नहीं आता। ये सब गुरु तत्व आपके अंदर है लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊँ। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊँगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं। और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है जिसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है। और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी ज़रा सा कुछ तली हुई चीज़ खा ले उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अब यकृत क्या करता है, यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है। इसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजनस, वो सारा काम लिवर करते रहता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे 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 ये काम होते रहता है। पर कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज़, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया और उनको अब उस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में, मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त में पानी, रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है तब लिवर से ये जो पानी है ये
जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान, लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लीवर है और लीवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है, लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है, लेकिन जो पानी है जो कि हमारे खून में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता। और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लिवर भी यही चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता, मुँह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई तो आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते, और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है, और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। माने इतनी दुर्दशा करने की क्या ज़रूरत है। वास्तविकता शराब चीज़ जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का वो तो वाइन हो, पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज़ को पॉलिश करने के लिए, हर एक चीज़ को पॉलिश करना हो, जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना तो आप जिन से करिए, कोई चीज़ को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जा करके हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है बंदर के जैसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए, अब वो जा करके ज़रूर शराब पिएगी। शराब पीने को उसको कहीं कहा नहीं था, पता नहीं उसको कहाँ से एक को मिल गया, उसने अपना शराब लेना शुरू कर दिया, शराब पे शराब पीने लग गया, उसकी जो आर्टरीज थी वो थिकनिंग होने लग गई, अब उसमें मज़ा इसलिए आता है कि आदमी की जो चेतना है वही गुम हो जाए। मनुष्य को ये इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी चेतना गुम हो जाए, क्योंकि वो अपने को देख नहीं पाता, वो अपने को समझ नहीं पाता, असलियत से भागता है, वो असत्य पे रहना चाहता है। सत्य क्योंकि उसको लगता बड़ा भयंकर है, भयानक है, ऐसी बात नहीं, सत्य अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है और बहुत ही शांतिदायक और सारे सुखों का आगर सत्य। लेकिन अभी आप उस हालत में हैं कि न तो आपने सत्य पाया है और न तो आप असत्य में, जो आप बीच की हालत में मानव दशा में आ गए हैं, इसीलिए प्रश्न आया, इसीलिए इन गुरुओं का जन्म हुआ कि आपको समझाएं कि ये बीच की हालत में आज आप पैदा हुए हैं, इसमें इतनी घबराने की बात नहीं, इसमें समतोल रहे, अति पे न जाओ, असंतुलन पे मत जाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में नम्रता से रहो, अपने घर में और अपने व्यवहार में, अपने समाज में सबका विचार रख के संतुलन के साथ रहो। यह नहीं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा रईस हो गया, एक आदमी है कि बहुत ज़्यादा बलवान हो गया, दूसरा आदमी है कि उसने बहुत ज़्यादा यश प्राप्ति कर ली, क्योंकि जो नेचर है, जो निसर्ग है, उसके अंदर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप कभी नहीं सुनिएगा कि एक आदमी की ऊंचाई 60 फुट हो गई, कभी नहीं सुनिएगा कि एक पेड़ कहीं जा करके 200 फीट का हो, आम का पेड़ उसकी साधारण जो हाइट होगी वो 3 है।
ऐसे ही मानव की भी जो कुछ हर एक चीज़ की फ्लाइट है, जो कुछ उसकी उड़ान है, वो भी एक हद तक होनी चाहिए। जो आदमी अपने को कंपटीशन में डाल करके इस तरह से पागल जैसे दौड़ता है, उसका वही हाल हो जाता है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज का हो गया। एकदम पागल है पागल। उनको तो मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनमें से आधे तो पागलखाने जाने लायक है। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि आधे तो हैं स्किज़ोफ्रेनिक, आधे वहाँ के लोग 50% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। अब आप उनसे क्या सीखने वाले हैं, क्या आपको सबको पागलखाने में जाने का? ये जो कंपटीशन का लाइफ लगा दिया है, इससे मनुष्य जो है हमेशा असमाधानी रहेगा और असमाधान से वो प्रगति उस ओर कर रहा है जहाँ पूरी तरह का सर्वनाश। संतोष से, टेम्परेंस से मनुष्य को अपने अंदर जागना चाहिए।